मार दा बेला है, ठगियां दा जमाना है, बेवसाई है इन्नी ज्यादा, कूड़ इन्ना फैल गया है, ओदे विच इन्ने कूड़ खलारे और खराबे दे अंदर जे कोई चार जी इस तरह दे सुर दे सुखन दे दीवे बाल के बैठे ने, वो बहुत वड़ा एक असली जहाद भी यही है, असली कारणा भी यही, जदोजहद भी यही, इहदी लोड़ भी बड़ी है। जिते नफरत इन्नी फैली होवे उत्थे छह के त्रह के बह नहीं जाना चाहिए, उत्थे बाहर आके मोमबत्ती बालनी चाहिए है, सफेद परचम लैके निकलना चाहिए है। विरले विरले सच्चे होंदे ने, पूरी इंसानी तवारीख चुके वेख लो किन्ने अरबां खरबां लोग आ गए और चले गए, जीउंदे किन्ने ने, सच्चे किन्ने कोई नहीं, याद किन्ने आंकनों असी करते हैं, ना किन्ने अगदा रहिंदा है, या बहुत भैड़े का ना रहिंदा है या बहुत चंगे का ना रहिंदा है। भैड़े जिहड़े शैताना वर्गे लोग होए जिन्होंने गैस दियां चैंबरां च 50,000 बंदा उड़ा दिता, 5,000 बंदे की एक कबर बनाई, एक एक जंग च 2.5 करोड़ इंसान मारन वाले इंसान भी इतने आ गए, उन्होंने इंसान मेरे मूँह निकल गया जिन्होंने ये काम किया। हिटलर वर्गे भी ने, हलाक मुकाम वर्गे ने, चंगेज वर्गे ने, बहुत हर कौम और नसल के इतने बड़े बड़े लोगों हंकार रूबरू चढ़े रहे हैं तवारी। असी वो गल्ला जिहड़ियां करन दी लोड़ हुंदी है, सुनन दी लोड़ हुंदी है, भावें असी अपने बारे दा सुनते हाँ कि भी हर बंदे दी मैं जिंदगी दे नाल खेड रहा है, जिन्ने लोग ने अपना वो नायाब जिंदगी लैके इतने बैठे ने जिहदे एक पल भी दोबारा नहीं मिलना। किसी का किमें रांझा राजी होंदा है, कोई इन्हों सुनदा है, कोई किसी नूं सुनदा है, कोई गाँवदा है, कोई जिथे वो खिड़दा है ना उन्हें उत्थे जाना है। वो हर बंदा चाहता कि मेरा क्वालिटी टाइम गुजरे, सोहना टाइम गुजरे। तो ये साढ़े वल सौंपण तो बहुत घट है, रहा नहीं, जे है वे कुदरत ने तो खिलारिया है, पर वेखण वाली अख नहीं है। संगीत वाला मामला है जिथे असि इस वेले बैठे हाँ सुन रहे हैं। संगीत वाले मैं पिछली बार भी गल की थी, वैसे तो मैं गल घट ही करना, ये तो हूँ मिशन सिंह भट्ट साहब ने कह दिता है तो गली ला लिया वो ये देखे सो सागर संगीत या इस तरह के संगीत दियाँ जिहड़ियां टाणियां ने वो जिन्नियां भी थोड़ियां जिन्नियां भी होन थोड़ियां ਇਹ ਬੜੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੱਤਰ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ ਦਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ।
अपनी जात नाल वो खुद नाल भी नहीं जुड़िया है, तो खुदा नाल भी नहीं जुड़िया है, तो खुदाई नाल भी नहीं जुड़िया। क्या बात है। तो शायरी संगीत खुद नाल खुदा नाल पूरी खुदाई नाल जुड़ते हैं। हर शह सुरच है ताकि हार्ट भी थोड़ी जी बसूरी हो जाए तो भजते हो डॉक्टर को, बॉडी के अंदर पूरा जिन्ना मैकेनिज्म है वो सारा एक सुरच है। किसी मामले च भी थोड़ा जहा बसुरा होया नहीं तो कहना है मेरी खड़ा लिता है, क्या मैंने तराट पैगी, मैंने अकड़ा हो गया। सो पूरा वजूद एक सुर मंगता है, तो वजूद के असी कौन होंने, असी एक जेन हाँ, असी एक सोच हाँ। सोच में साफ करता है म्यूजिक संगीत, जिहड़ा बंदे के अंदर मैल है क्रोध है वह कटता है, उसकी धुलाई करता है। साढ़े वाले पता नहीं जिस तरह का समाज इन्होंने कोई इस तरह का कल्चर के नाते भी बदले थे कोई अजब, और जो संगीत वाले लोग भी ने भावे जिन्हें भी मैं उन्होंने एप्रीशिएट करता, पर संगीत करने वाले लोग नवे संगीतकारा कवियों वो कबूलते नहीं उस तरह ना दसते ने उस तरह। आ बैठे ने साढ़े को बड़े बड़े जइयत उल उलमा जिन्होंने दो नौ नौ सौ साल हो गए म्यूजिक करते हैं इतने नजरा लाड़ च कह रहे हैं उन्होंने सामने अल्लाह मियां भी कितने बंदे के रूप से आके गाने लग पड़ा, कहना कुछ नहीं हो गया गाना हो गया गाना तो हो गया यार। वो कहते हैं कि बागों के फुल अजायब तू ही एक गंदूली हुसैना कह बागे की बोली एक बंदा निकला ठीक हो गया। अच्छा शुक्र है बिल्कुल। लोग आखिरी उम्रे लोटे लैके मसीत जाते हैं जिते जाके ये ठीक हो इन्हें तो फायदा की जल्दी करते खूबी है और इंज दिया 1,23,469 होर खूबियां भी ने ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਲੌਂਜ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਮਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਅਚਾਨਕ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਲਾਈਵ ਉਹ ਮਰਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀ